Aliakum. Today we study about object oriented language. Object oriented language ये हमारा topic C++ के course का है, lecture number 3. अब lecture number 3 को start करने से पहले मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि object oriented language जो है ये higher level language का जो है वो type है. ठीक है, high level language के हमने पहले एक type पढ़ चुके थे. ठीक है, procedural language ये हम लोग पढ़ चुके हैं. ये अगर आपने नहीं पढ़ी, मतलब अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आप प्रीवियस लेक्चर सी कर सकते हैं. लेकिन प्रीवियस लेक्चर सी करने से पहले मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट डिटेल बता देती हूँ. हमारे पास हायर लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमंस के बहुत क्लोज होते हैं, यानी कि हम ह्यूमंस जो हैं उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे हम हायर लेवल लैंग्वेज कहते हैं. इसके अंदर हमारे पास तीन तरह की लैंग्वेज जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. प्रोसीजरल लैंग्वेज, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. अब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होती है, यानी कि 3GL. ओके, 3GL लाइक 4G, 3G, ये तो आपको पता ही होगा. 3GL यानी कि थर्ड जनरल लैंग्वेज. अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम इजीली प्रोग्राम को प्री डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसमें हम जो कंप्यूटर को जो होता है वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो होता है वो सेम सीक्वेंस देते हैं हम, मतलब एक जैसे सीक्वेंस होती है जिसमें हम उसे राइट कर सकते हैं. उसके बाद इसकी जो इंस्ट्रक्शंस लैंग्वेज होती हैं वो कंप्यूटर को बताती हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है. उसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाती है फॉर्टेन, बेसिक, कोबल, सी एंड पास्कल. अब फॉर्टेन क्या होती है, फॉर्टेन हमारे पास होती है फार्मूला ट्रांसलेशन. फार्मूला ट्रांसलेशन यानी कि ये जो लैंग्वेज है फॉर्टेन, ये हम लोग यूज़ करते हैं साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एप्लीकेशंस में, यानी कि साइंटिफिक एप्लीकेशंस जो होती हैं. उसके बाद इंजीनियर्स जो होते हैं वो अपनी फार्म्स वगैरह में जो है इसके अंदर इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा मोस्ट यूज़ करते हैं. उसके बाद बेसिक्स आ जाता है बिगनर ऑल प्रोसीजर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड. इसमें हमारे पास क्या जाता है कि हमारे पास जो होता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स दी जाती हैं ताकि वो सॉल्व कर सकें, और इसके अंदर हमें एजुकेशन के पर्पस के रिलेटेड हमें देखने को मिलता है. लाइक जिस तरह हमारे पास बहुत सी वेबसाइट आ जाती हैं, मैथ सिटी, उसके बाद आ जाता है फ्रीलैम, उसके बाद आ जाता है तलीम सिटी. इस तरह की छोटी छोटी वेबसाइट्स आप लोग अक्सर देखते होंगे, लेकिन ये एक बेसिक प्रोग्राम होता है. ठीक है, जिसके अंदर ये जो होती है ये वेबसाइट क्रिएट होती है, और इसके अंदर जो होता है हमारे पास कहता है हम लोग इजीली मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम इजीली इसे डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद कोबल आ जाता है. कोबल हमारे पास होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. अब इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, यानी कि ये जो लैंग्वेज है ये ज़्यादातर बिजनेस वर्क के अंदर यूज़ होती है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पास्कल. पास्कल जो ये बिजनेस और बिजनेस और साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ होता है, और ये फ्रेंच मैथमेटिशंस पास्कल ने बनाया था. उसके बाद कोबल जो है वो 1960 में जो है वो जनरेट हुआ था, और बेसिक्स भी जो है वो 1960 में ही क्रिएट हुआ था. उसके बाद लास्ट हमारे पास चला जाता है सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज हमारे पास ये बहुत बड़ी पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है. ये आज की जनरेशन में ये यूज़ भी हो रही है. इससे डिफरेंट प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जनरेट किए जाते हैं, डिफरेंट फाइल्स वगैरह जो है इसके अंदर सेव की जाती हैं. इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसे जो डेवलप किया था वो डेनिस रेजिट ने किया था, कौन सी लेबोरेटरी में, AT&T बेल लेबोरेटरी इन 1972. इसमें जो है ये जो पार्ट है ये यूनिक्स ऑपरेटर सिस्टम का पार्ट है. यूनिक्स भी जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये उसका पार्ट है. और जो यूनिक्स है ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो टोटली बैक स्क्रीन पे वर्क करती है, यानी कि इसके अंदर कोडिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा. और ये इसे हम लोग मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी कि जो सी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर सकता है, वो ह्यूमन भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इसलिए इसे मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी कि दोनों के दरमियान कम्बिनेशनल. उसके बाद इस ये किस लिए यूज़ होती है, ये एप्लीकेशन राइट कर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन राइट करने के लिए यूज़ होती है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए यूज़ होती है. उसके बाद आता है डेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि हमारा टूडे टॉपिक. इसमें हमारे पास क्या जाता है, अ टाइप ऑफ हायर लेवल लैंग्वेज इन विच अ प्रोग्राम इज रिटन ऑन द बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. अ
अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये भी एक हायर लेवल लैंग्वेज की टाइप है, लेकिन इसमें हम बेसिक ऑब्जेक्ट्स टाइप करते हैं। किसके? प्रोग्राम्स के। बेसिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? उसके जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, लाइक आपने कहाँ से किस तरह स्टार्ट करना है, वो स्टार्टअप पॉइंट। उसके बाद आपने क्या फार्मूला जनरेट करना है, वो फार्मूला, वो भी बेसिक है। उसके बाद आपने उस पर क्या परफॉर्म करवाना है, वो जो परफॉर्मेंस करवानी है वो भी बेसिक है। उसके बाद उसका एंड अप में जो आपने करना है वो भी बेसिक है। तब फिर वो चीज़ें राइट करते हो। एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। इट मे रिपीटिंग अ पर्सन, थिंग और प्लेस इन रियल वर्ल्ड, सच ए स्टूडेंट एंड कार। इन ओपो ओ पी डेटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डेटा आर ग्रुप टूगेदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड लैंग्वेज प्रोग्राम आर इजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। ओ, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फंक्शन हो सकता है, उसका सबका कलेक्शन होता है। उसके बाद इसमें हम कोई पर्सन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में ओ ओ पी भी कहा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो ओ ओ पी से भी जो है वो जनरेट किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि हम जितने भी डाटा, जितने भी फंक्शंस को पॉसिबल होता है, वो हम इसमें उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं एक साथ। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इजीली लैंग्वेज है, जिसे हम इजीली लर्न कर सकते हैं और इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं? फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हमारे पास सम इम्पोर्टेंट फीचर्स जो होते हैं इसके, वो हमारे पास फॉलोइंग है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओ पी प्रोवाइड द फैकल्टी ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एन एंट्री डेट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड फंक्शन। अब ओ पी जो होता है ना, वो हमें प्रोवाइड करता है फैकल्टी के प्रोग्राम जो है वो बेस्ड ऑब्जेक्ट पे कर रहा हो। उसके बाद ये हमें बहुत ज़्यादा स्पेस देता है, ताकि हम इजीली एंटर कर सकते हैं फंक्शंस को भी और डाटा को भी। यानी कि इसके अंदर हमने एंटर ही करनी है फंक्शंस और डाटा, तो ये सारे के सारी इसके एंट्रीज जो है फंक्शंस और डाटा पर ही बेस करती हैं। इसके अलावा हम इसमें और कुछ एंटर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हो जाता है, क्लासेस आर डिजाइन डेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओ पी प्रोवाइड द फैकल्टी टू डिजाइन क्लासेस टू क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफाई इन क्लास। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो क्लासेस जो होती हैं, उनके डिज़ाइन जो होता है वो हम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि हम कौन सा डिज़ाइन जो है वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी फंक्शंस होते हैं इसके, उसके लिए जो होता है वो एक स्पेसिफाई क्लास होती है। उसके बाद आ जाता है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके, जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके लिए हम डिफरेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जो फंक्शंस हैं उसकी क्लास जो होती है वो स्पेसिफाइड होते हैं, यानी कि वो कर दी जाती है। उसके बाद आता है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ओ पी इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। द थिंग इन रियल वर्ल्ड हैव प्रॉपर्टीज एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज। द ऑब्जेक्ट्स इन ओ पी हैज़ डेटा एंड फंक्शन। डेटा रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस रिप्रेजेंट वर्क ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में, कि हमारे पास जितने भी रियल वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं, वर्किंग कैपेबिलिटीज होती हैं, यानी कि जो हम रियल जो हम काम करते हैं, वर्क करते हैं अपने, उसकी जितनी भी वर्किंग्स होती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारे हम रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के अंदर जो होते हैं वो डाटा और फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा जो रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टीज और फंक्शंस पे, और इसकी जितनी भी वर्किंग सब्जेक्ट्स हैं वो इसी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद रिलायबिलिटी आ जाती है। ओपी प्रोवाइड वे टू रिज्यू डाटा एंड कोड। इनहेरिटेंस इज अ टेक्निक दैट अलाउ प्रोग्राम टू यूज कोड ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम। अब रिज्यूबिलिटी क्या होती है? रिज्यूबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है उसे यूज़ करके एक नया डाटा को क्रिएट करना। अब इसमें क्या होता है कि हमें ओ पी ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग कोड्स पड़े होते हैं, हम उन्हें यूज़ करके नया प्रोग्राम जो होता है वो जनरेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ओ पी वेरिएबल द प्रोग्राम टू हाइड इंपॉर्टेंट डाटा फ्राम द यूजर। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय इनकैप्सुलेशंस। अब ओ पी जो होता है वो हमें ये भी फैकल्टी प्रोवाइड करता है कि हम अपने इंपॉर्टेंट्स जो हमारी कोडिंग्स होती हैं, हम उन्हें यूज़र से हाइड कर सकते हैं, ताकि जो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी शो ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन मल्टीपल वेव्स। अब ये जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो कि डबल टाइम्स काम कर सकती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है? सी प्लस प्लस जावा, सी प्लस प्लस जावा और सी हैश, ये तीन लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजेबल लैंग्वेजेस हैं। सी प्लस प्लस हमारे पास क्या होती है? सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड इन 1988 बाय बेल लेबोरेटरी। इट इज एन इम्पोर्ट इम्प्रूव वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज। इट्स प्रोवाइड द फैकल्टी ऑफ वर्क विद ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। इट इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज एंड इज यूज टू डेवलप अ वेरी वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। अब देखो, जो सी लैंग्वेज है वो बेल लेबोरेटरी में जो है वो बनी थी, लेकिन बात सारी आ जाती है कि वो बनी थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से सी प्लस प्लस जनरेट हुई, सी लैंग्वेज जनरेट हुई, सी लैंग्वेज से सी प्लस प्लस जनरेट हुई। अब देखो, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो टोटली जो है वो वर्क था, ब्लैक स्क्रीन वर्क था। उसकी कोडिंग्स थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, ठीक है। उसके बाद सी लैंग्वेज जब जनरेट हुई तो वो थोड़ी इजी कोडिंग्स में आ गई। उसके बाद जो सी प्लस प्लस है वो इतनी इजी कोडिंग्स में आ गई कि हम ह्यूमन उसे बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत इजीली उसके अंदर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जो है ये इम्प्रूव वर्जन यानी कि लेटेस्ट वर्जन है सी लैंग्वेज का। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या जाता है, ये हमारे वर्किंग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की फैकल्टीज को हमें प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं, यानी कि हम इसके अंदर बहुत ऐसे प्रोग्राम्स, हम टेलीफोन्स के प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं, हम डिफरेंट डेटास प्रोग्राम्स, वेबसाइट्स प्रोग्राम्स, कॉलेज डेटास प्रोग्राम्स, हर तरह के डेटा प्रोग्राम हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कर सकते हैं। उसके बाद जावा आ जाता है। जावा वाज डेवलपिंग एट सम माइक्रो या माइक्रो सिस्टम इन 1995 बाय अ टीम लीड बाय जेम्स गोल्सन सन। माइक्रो सिस्टम आर परचेज बाय ऑक्सल इन 1910। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बेस्ड ऑन द सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। इट इज कॉमनली यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशंस फॉर सर्विसेज, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। जावा जो है ये 1995 में जो है वो सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर जो है वो डेवलप हुई थी। इसके अंदर ये जनरेट हुआ था। और इसके अंदर हमारे पास क्या जाता है कि ये जो जावा जो है ये हमारे पास जो है ये सिंटैक्स जो है वो सी प्लस प्लस का यूज़ करती है, क्योंकि ये सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के जो है वो बेस करती है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होती है, जिसमें जिन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है, उसमें हमारे पास मोबाइल डिवाइसेज यानी कि मोबाइल्स को जनरेट करने में, उसके बाद कंप्यूटर्स के स्क्रीन्स को जनरेट करने में, और उसके बाद लास्ट हो जाते हैं वो हमें सर्वर्स के जो डेवलपमेंट सर्वर्स होते हैं उन्हें जनरेट करने में जावास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सी हैश। सी हैश इज अ प्रोनाउन एज सी शार्प। इट वाज बेस्ड डेवलप ऑन माइक्रोसॉफ्ट इन 2000। इट इज अ सिंपल एंड मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज। इट्स सिंटैक्स इज सिमिलर टू सी प्लस प्लस। इट्स कैन यूज फॉर डिस्पर्स सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट। अब जो सी हैश है ना, ये सी शार्प का जो है वो प्रोनाउन है, और इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि ये 2000 में जो है ये डेवलप हुई थी। अब इसमें हमारे पास ये बहुत सिंपल है और बहुत मॉडर्न लैंग्वेज है, यानी कि आप अक्सर देखते होंगे जब आप HTML यूज़ करते हैं और CSS यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं वो सी हैश के अंदर राइट करके उधर कॉपी किए जाते हैं। उसके बाद इसका जो सिंटेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है सी प्लस प्लस से, और ये बहुत ज़्यादा जो यूज्ड होती है वो हमारे पास डेस्कटॉप डेवलपमेंट में और वेब डेवलपमेंट में, यानी कि हमारे जो वेबसाइट्स डेवलपमेंट्स होती हैं। उसके बाद न्यू नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज आर नोन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, यानी कि जो एडवांस लैंग्वेज है। इन नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज द यूज़र ओनली टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। एन इम्पॉर्टेंट advice of non-procedural language is that they can be used by non-technical users to perform specific tasks. These language accelerate program process and reduce coding error. UGL are normally used in database applications and report generations. अब ये जो है ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें जस्ट हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या करना है, हम उसे ये नहीं बताते उसने ये कैसे करना है, जस्ट हम कमांड देते हैं, आगे काम करना उसका होता है, ठीक है। हम जस्ट उसे
वर्किंग कमांड देते हैं, लाइक जिस तरह मैं ऐसे प्रोग्राम एंड एक क्वेश्चन एंटर करके दे रही हूँ, ठीक है, और वो आगे उसे खुद ही प्रोसेस करेगा, मुझे इसका कोई सरोकार नहीं है, वो कहाँ से करेगा, लेकिन उसने जिस टाइम उसे कमांड देनी होती है आगे, फिर उसने खुद ही वर्क करना होता है. और ये बहुत एडवांस लैंग्वेज है, इससे ज़्यादातर यूज़ जो है वो डेटाबेस की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर किया जाता है, या फिर जो पुरानी जनरेशंस होती हैं उनके अंदर अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है तो उनकी रिपोर्ट्स देने के लिए किया जाता है. और इसकी जो ये लैंग्वेज है ये प्रोग्राम के अंदर एरर्स को ख़त्म करने में बहुत मदद देती है. उसके बाद इसके अंदर दो तरह की जो है वो लैंग्वेजेस आ जाती हैं, SQL और RPG. अब SQL स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज, इट वाज डेवलप्ड बाय IBM, इट इज़ नेशनल स्टैंडर्ड्स बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. SQL वर्ड वाज डेटाबेस प्रोग्राम एट MS एक्सिस DB टू इंफेक्स MX SQL सर्विस ऑक्टल एंड साइब बेसिक्स. SQL को जो है वो स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी कहा जाता है. ये बहुत पॉपुलर होती है डेटाबेस में, यानी कि मोस्टली डेटाबेस के अंदर यूज़ होती है. आपने अगर 12th Class में Chapter No. 2 पढ़ा है तो उसके अंदर SQL का जिक्र बहुत बार आया हुआ है. और ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड यूज़ होती है, किसमें ANIC में. और इसका जो वर्क होता है वो डेटाबेस प्रोग्राम्स के रिलेटेड ही होता है ज़्यादातर वर्क, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं RPG, यानी कि रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेटर. इट वॉज डिवेल्प इन 1960 बाय IBM. इट इज़ यूज टू जनरेट बिजनेस रिपोर्ट्स. इट इज़ अ नॉन प्रोसीडर लैंग्वेज. इट इज़ मोस्टली यूज बाय IBM's मिड-रेंज कंप्यूटर्स. इसमें क्या होता है, इसे जब जनरेट किया गया था 1960 में, इसे जनरेट किया गया था जाके जो बिजनेस की जो रिपोर्ट्स होती हैं ना उनके रिलेटेड जो है ना वो ये प्रोग्राम्स को जनरेट कर सके. लेकिन फिर ये नॉन प्रोसीडर लैंग्वेज जो है वो जनरेट हुई. उसके बाद ये आ जाता है कि इसमें हम चाहे जो यूज़ किया जाता है वो मिड रेंज कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है. उसके बाद अब डिफरेंस आ जाता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में, यानी कि प्रोसीडर लैंग्वेज और नॉन प्रोसीडर लैंग्वेज. प्रोसीडर लैंग्वेज में क्या आता है, प्रोसीडर लैंग्वेज टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी कि हम उसे ये भी बताते हैं कि कैसे करना है और किस तरह की है, क्या करना है और किस तरह करना है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, यानी ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है इसे लर्न करना. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग, यानी कि इसके अंदर जितने भी एरर्स निकालना होता है वो बहुत मुश्किल होता है. इट इज़ रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ प्रोसीडर इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत ज़्यादा प्रोसीडर इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है. इट इज़ नॉर्मली यूज बाय प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग, ये जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग, यानी कि जो प्रोफेशनल लेवल्स की प्रोग्रामिंग होती है उसमें यूज़ होती है, यानी नॉर्मल पर्सन इसे यूज़ नहीं कर सकता. इट इज़ टिपिकली फाइल ओरिएंटेशन, ये जो होता है ये फाइल ओरिएंटेशन के लिए यूज़ होता जाता है. ये प्रोवाइड करता है मैनी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है. उसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है, नॉन प्रोसीडर लैंग्वेज टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू व्हाट टू डू, वो ये बताता है करना क्या है, ये नहीं बताता कि कैसे करना है. इट इज़ ईजी टू लर्न, ये बहुत ईजी होता है अगर आप लोग लर्न करना चाहते हैं. इट इज़ यानी कि इसके जो डिबग्स होते हैं जो एरर्स होते हैं उन्हें हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. इट इज़ रिक्वायर्स फ्यू नॉन प्रोसीडर इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत थोड़ी इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है. उसके बाद ये हम प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल यूजर्स भी, यानी कि जिन्हें इस चीज़ के रिलेटेड ज़्यादा पता नहीं है वो भी इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद ये टिपिकली डेटाबेस, यानी कि जो हमारे पास प्रोसीडर लैंग्वेज थी वो फाइल ओरिएंटेड थी और ये डेटाबेस ओरिएंटेड है. और इसमें हमारे पास क्या जाता है, ये हमें प्रोवाइड करता है लेस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी, यानी कि थोड़ी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है. उसके बाद नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन हायर लेवल लैंग्वेज एंड लोअर लेवल लैंग्वेज. अब हायर लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, हायर लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न, यानी कि जिसे हम इजी टू लर्न कर सकते हैं. लोअर लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न, ऑब्वियसली जब वो हाई कंप्यूटर लैंग्वेज तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उसे लर्न करने के लिए. हायर लेवल लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि हायर लेवल लैंग्वेज है जो बहुत क्लोज होती है ह्यूमंस के, और लोअर लेवल लैंग्वेज आर फेयर फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेज, जो लोअर लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमंस के बहुत दूर होती है. प्रोग्राम इन हायर लेवल लैंग्वेज आर शो इन एग्जीक्यूशंस,
जो प्रोग्राम्स होते हैं हायर लेवल लैंग्वेज में, वो एग्जीक्यूशन को शो करते हैं, और जो बहुत स्लो एग्जीक्यूशन करते हैं यानी कि बहुत एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें बहुत जल्दी एग्जीक्यूशन होती हैं। प्रोग्राम इन हायर लेवल लैंग्वेज यानी कि इसे हम इसलिए मॉडिफाई कर सकते हैं, और लोअर लेवल लैंग्वेज को हम डिफिकल्ट टू मॉडिफाई कर सकते हैं। डू नॉट प्रोवाइड मैनी फैकल्टीज एट हार्डवेयर लेवल, लो लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड फैकल्टीज टू राइट प्रोग्राम। डीप नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम राइटिंग, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। The language are normally used to write application program. These language are normally used to write hardware program. अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो लैंग्वेज होती है उसे हम स्लोली एग्जीक्यूट करते हैं, जो लोअर लेवल हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं लो को हम हार्डली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे हम ईजी टू मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोअर लेवल लैंग्वेज होती है वो बहुत मुश्किल से मॉडिफाई होती है। उसके बाद ये होता है कि जो हार्डवेयर लेवल पे वर्क होते हैं प्रोग्रामिंग का, वो हम हायर लेवल लैंग्वेज में हम लोग इतनी जल्द नहीं कर सकते, लेकिन लोअर लेवल लैंग्वेज में हम इसे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास जिसके डीप नॉलेज होते हैं हार्डवेयर के, वो रिक्वायर नहीं किए जाते प्रोग्राम में हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर, लोअर लेवल लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद यह आ जाता है कि लोअर लेवल लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा यूज होती है प्रोग्राम राइट करने के लिए, और जो हायर लेवल लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम राइट करने के लिए यूज होती है, लोअर लेवल लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर को राइट करने के लिए यूज होती है हार्डवेयर के प्रोग्राम्स को। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हम लोगों ने पहले पढ़ी थर्ड जनरेशन, फिर हम लोगों ने पढ़ी फोर्थ जनरेशन, अब हम लोग जाने लगे हैं फिफ्थ जनरेशन की तरफ। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, देखिए थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास जो थर्ड जनरेशन थी उसमें हमारे पास जो प्रोग्राम्स आ रहे थे उसे हम लोग ईजिली इतनी जल्दी मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे, या उसमें कोई ना कोई इस तरह की डिसएडवांटेजेस आ रही थी जिन्हें समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद हम फोर लेवल लैंग्वेज की तरफ आए, हाँ जी, उसमें हमें क्या हुआ कि हम उसे इजीली मॉडिफाई कर सके, हम उसे इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद जो नेचुरल लेवल लैंग्वेज है, अब देखें जिस तरह लैंग्वेजेस चेंज होंगे हमारा वर्किंग सिस्टम जो है वो उतना ही ईजी होता जाएगा। अब देखिए जो थर्ड लेवल लैंग्वेज है उसमें हमें कमांड भी देनी पड़ती थी, उसे हमें ये भी बताना पड़ता था कि उसे कैसे करना है, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है इसमें क्या होता था कि हम जस्ट कमांड देते थे और वो खुद ही वर्क करता था। अब नेचुरल और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज देखते हैं इसमें क्या होता है। नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज और इंटेलिजेंस लैंग्वेज। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम फॉर दीज लैंग्वेज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर आर लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स। दिस इज नॉट मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेज आर स्टिल इन एक्सपीरियंस फेज। ये जो लैंग्वेज है ये हमारा इंटेलिजेंस लैंग्वेज भी है, यानी कि AI, IT ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। और इसके बाद इसमें ये आ जाता है ये एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, वेरी कॉम्प्लेक्स और ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, इनके बहुत ज़्यादा कंप्यूटर रिसोर्सेज होंगे फिर ये लैंग्वेज काम करती है। उसके बाद ये आ जाता है कि इस प्रोग्राम इस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके टाइप्स ऑफ कोर्स कौन से होते हैं, सोर्स कोर्स और ऑब्जेक्ट कोर्स। सोर्स कोर्स प्रोग्राम राइट इन हायर लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोर्स। सोर्स कोर्स इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हायर लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज। सोर्स कोर्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूट बाई कंप्यूटर डायरेक्टली, इट विज कन्वर्ट इंटू ऑब्जेक्ट देन एग्जीक्यूट। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो सोर्स कोर्स होता है वो हायर लेवल लैंग्वेज होती है, और इसे हम जो होता है वो सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर इस चीज़ की किसी भी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए हमें पहले से ऑब्जेक्ट कोड में जो है वो चेंज करना पड़ता है, फिर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड अब हमारे पास क्या होता है, ये एक मशीन लैंग्वेज होती है और इसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं, और इसे हम जो कंप्यूटर जो है ईजिली और डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इज रिटन इन हायर लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, यानी कि हायर लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में राइट की जाती है। ऑब्जेक्ट कोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन के लैंग्वेज में राइट की जाती है, और ये किसमें कंपाइलर के थ्रू। उसके बाद सोर्स कोड जो होता है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोड को हम इतनी ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। सोर्स कोड को हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोड को हम इजीली डिफिकल्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सोर्स कोड जो होता है वो फेयर स्टेटमेंट्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट कोड के रिलेटेड, और जो ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो मेंटेन करता है मोर स्टेटमेंट्स को, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है किसके निस्बत, सोर्स कोड के निस्बत। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
लैंग्वेज प्रोसेसर्स. अब लैंग्वेज को रन करने के भी कुछ प्रोसेसर्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, वो कौन सी होते हैं? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. हमें पता है कंप्यूटर सिर्फ जो है मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूट ऑन कंप्यूटर डायरेक्टली, इट मस्ट बी कन्वर्ट इन टू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन. लैंग्वेज प्रोसीजर इज अ सॉफ्टवेयर डेट कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज. एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इन टू ट्रांसलेटर. अब इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, और इसमें हमारे जो प्रोग्राम जो होते हैं वो हायर लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में राइट होते हैं, तो वो तो कंप्यूटर इजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ना ही उसे इजिली एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट कर नहीं सकता. क्योंकि आप देखिए, आप इंग्लिश किसी को इंग्लिश लिख के दें और उसे इंग्लिश की समझ ना आती हो तो वो आपको क्या जवाब देगा. इस तरह कंप्यूटर को भी अपनी लैंग्वेज के अलावा हमारी लैंग्वेज की इतनी इजीली समझ नहीं आती है, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं जिसके ज़रिए उन्हें लैंग्वेज की इजीली समझ आती है. अगर आपके पास वो प्रोसेसर्स नहीं होंगे तो आपके कंप्यूटर को कभी भी आपकी लैंग्वेज की समझ नहीं आएगी. अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो प्रोग्राम, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बहुत स्लोली रन कर रहा होता है, उसमें ये होता है कि हमारा जो प्रोसेसर होता है उसका, यानी कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो इतना स्लोली वर्क कर रहा होता है कि हमारा जो प्रोग्राम की रनिंग होती है वो और ज़्यादा स्लो हो जाती है. इसी वजह से हमारे जो प्रोग्राम में एरर्स और डिबग्स भी क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो हमारा काम ही नहीं कर रहा होता, और हमारा जो प्रोग्राम जो कंप्यूटर होता है वो अपने और फिर जो होता है हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमें गलत आंसर दे रहा होता है, और हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि हमारा कंप्यूटर हमें गलत आंसर क्यों दे रहा है. तो इसके पीछे ज़्यादातर जो होता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर का जो होता है वो इशू होता है. इसलिए जो होता है लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. अब लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, एक असेंबलर होता है. अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज एज अ होल. अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम. कंपाइलर कन्वर्ट्स सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. द कंपाइलर चेक ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट मशीन instructions. Compiler also checks syntax errors in the program. A source program contain a syntax errors cannot be compiler. Compiler can translate the program of only that language for which it is written. For example, C compiler can translate only those program that written is C language. अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट आ रहा है कंपाइलर लैंग्वेज. कंपाइलर लैंग्वेज जो होता है वो हायर लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कि सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में. और इसमें क्या होता है कि जो कंपाइलर होता है वो हर एक लाइन को पहले चेक करता है, फिर उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो जनरेट करता है. वो एग्जैक्ट जो होता है पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा नहीं जनरेट करता, वो सेपरेटली जो है एक एक लाइन को चेक करके जनरेट करता है, ताकि अगर किसी लाइन में एरर भी आ रहा हो तो उसे भी सोर्स प्रोग्राम के अंदर चेक करके फिर जनरेट करता है. और इसमें ये होता है कि जो कंपाइलर होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सेपरेट कंपाइलर होता है. लाइक जैसे सी प्लस प्लस का कंपाइलर होगा तो वो ओनली सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से वर्क करेगा, सी लैंग्वेज का होगा तो सी लैंग्वेज के, उसके अलावा वह किसी और प्रोग्राम में रन नहीं करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन नहीं करेगा. उसके बाद होता है इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर एट अ टाइम. दे कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट. इफ दे मूव द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम इट विल द एरर मैसेज इफ देयर इज द एरर इन द इंस्ट्रक्शंस. द एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर आवर कंपाइलर इज दैट द एरर इज फाउंड इमीडिएटली. द प्रोग्राम कैन करेक्ट द एरर ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट. दैट इज disadvantages of interpreter that is it is not very efficient. The interpreter does not provide an object programming. It converts the instructions into machine language each time the program is executed. Basic language use interpreter. अब interpreter का हमारे पास क्या जो होता है वो हमारे पास ये translate करते हैं एक instructions को at a time in program में, और इसके जिस भी प्रोग्राम में एरर आता है ना वो फौरन ये उस एरर को जो है जनरेट मैसेज डिस्प्ले पे शो कर देता है जिसमें एरर आ रहा है. उसके अलावा ये है जो इंस्ट्रक्टर इंटरप्रेटर होता है वो मशीन डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में क्रिएट करता है और एग्जीक्यूट करता है. इसमें ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ होती है, जिसकी वजह से जो है वो इशू क्रिएट होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट्स में. उसके बाद
इसमें ये जो लैंग्वेज होती है ये बेसिक्स लैंग्वेजेस में जो है वह ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी कि असेंबलर्स. एन असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम डैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज. इसमें ये होता है कि जो हमारे असेंबलर्स होते हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जो हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं उन्हें मशीन लैंग्वेज में यूज़ किया जाए. असेंबलर्स जो है वो बहुत मोस्टली यूज़ हम असेंबलर्स और कंपाइलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. ठीक है, उसके बाद अब डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रिटेटर. अब डिफरेंस बताना है कंपाइलर एंड इंटरप्रिटेटर में. कंपाइलर कन्वर्ट अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज वेल एज, इसमें जो होता है कंपाइलर जो है वो मशीन कोड में एज टू एज कन्वर्ट करता है. इंटरप्रेटर कन्वर्ट अ प्रोग्राम मशीन टू स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो कन्वर्ट करता है. कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल, जो कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट कोड फाइल कन्वर्ट करता है. मैंने इंटरप्रेटर में बताया कि वो ऑब्जेक्ट कोड फाइल क्रिएट नहीं करता है. कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम इज डेट एग्जीक्यूट मैनी टाइम, वो कन्वर्ट कर सकता है हायर लेवल लैंग्वेज जो वो भी हायर लेवल लैंग्वेज को जो बहुत दफ़ा एग्जीक्यूटिव होती है. लेकिन जो इंटरप्रिटेटर है वो एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट करता है हायर लेवल लैंग्वेज को. उसके बाद कंपाइलर एग्जीक्यूट इज फास्टर, उसका जो कंपाइलर एग्जीक्यूटर है वो फास्टर होता है और जो इंटरप्रिटेटर का होता है वो स्लो होता है. कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर्स आफ्टर कंपाइलिंग द होल नंबर. कंपाइलर डिस्प्ले द सिंटैक्स एरर इन ईच स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम. इसमें होता है कि वो कंपाइल करते हुए सिंटैक्स एरर्स को जो है शो करवा देता है. लेकिन जो इंटरप्रिटेटर होता है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट सिंटैक्स एरर को शो करवाता है. उसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम पहले चेक करना पड़ता है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा रिलेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम एंड कंपाइलर. अब इनका रिलेशन क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे. अ सोर्स प्रोग्राम इज़ रिटन